सिख कौम ने, हिंदू कौम होवे या सिख कौम होवे, किस भी कौम के विच कोई भी सरकार किसी भी देशदूत के खिलाफ जो कोई जुल्म करेगी तो मंजूर कुरैशी का आधा नारा सबसे मोहरी कतार से खड़ के होगा। बीते दिनी मुस्लिम भाईचारे नाल संबंधित मलेरकोटला दीआं वख-वख जथेबंदियां वल्लों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नूं लैके हा दा नारा मारिया गया। इस मौके ह्यूमन राइट्स एमरजेंसी हैल्पलाइन एसोसीएशन वल्लों अते मलेरकोटला दीआं वख-वख मुस्लिम संस्थावां वल्लों सांझे तौर ते केंद्र दी भाजपा सरकार वल्लों सिखां ते ढाहे जा रहे जबर जुलम दे खिलाफ मुस्लिम समाज दे सहयोग नाल बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई आवाज़ बुलंद कीती गई। इस मौके उन्हां केंद्र सरकार तो यह मंग कीती कि जिहड़े बंदी सिंह जबरदस्ती जेलों विच डक्के होए हन ते अपनियां बनदियां सजावां पूरीआं करन दे बावजूद भी जिन्हां नूं रिहा नहीं कीता जा रहा हुण सरकार नूं चाहीदा है कि उन्हां नूं बिना किसी देरी दे जेलां चों तुरंत रिहा कीता जावे। इस पूरे वर्तारे नूं उन्हां ने मनुखी अधिकारां दा घाण भी दस्सिआ। कोटली दी धरती ते असीं अज्ज आए हां और सारिआं दा बहुत तहे दिलों शुक्रगुजार हां कि साडे नाल साडे मुस्लिम भाईचारे वल्लों मुस्लिम वीरां वल्लों बहुत ही साथ दिता गया। अपनी आवाज़ उन्हां ने सानूं दित्ती अज्ज बोलण दे लई ते असीं उन्हां दे कर्जदार हां। दूसरी गल अज इत्थे मनुखी अधिकारां दी जो कांड हो रही है उस दे बारे गल कीती गई है, ह्यूमनस राइट वायलेशन दे बारे, क्योंकि बंदी सिंह चाहे बंदी मुस्लिम, क्योंकि अज इत्थे दो मुस्लिम वो तस्वीर देखोगे दो मुस्लिम वीरां दी भी है, क्योंकि मेरी शायद नॉलेज च नहीं सी लेकिन मैनूं अज पता लगा है कि साडे मुस्लिम वीर भी जेलों च बंद ने बिना किसी कसूर तो। तो यह किदां दीआं हुकूमतां ने, तुसी देश दे जिहड़े नागरिक ने जो नागरिकता दा बराबर दा हक है संविधान दे विच, फिर इत्थे वितकरा क्यों है कि इत्थे घट गिनती के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है जे तो संविधान एक ने तो फिर बिलकिस बानो के जोड़े गुनाहगार से जेलों में रहने चाहिए सी, क्यों 15 अगस्त को उन्होंने रिलीज़ किया गया है? राजीव गांधी के हत्यारे को क्यों रिलीज़ किया गया है कि वह गुनाह नहीं सी? 84 च जोड़े चश्मदीद गवाह सज्जन टाइटलर क्यों घूम रहे हैं? क्यों कांग्रेस उन्होंने व्डे अहदे दे के नवाज रही है? ये सारिया गल्लां क्वेश्चन उठता है देश के संविधान से कि संविधान इन्हों की सहूलत के मुताबिक एक पेटी च बंद पे ने कि जद यह चाहणगे तो संविधान खुलते हैं इन्हों की जरूरत के अकॉर्डिंग। इत्थे गल अज हैगी बंदी सिंघां दी, क्योंकि फंडामेंटल राइट सब दे लई इक ने, राइट ऑफ इक्वैलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, यह सारियां ते लागू हुंदा है। ते बंदी मुस्लिम से भी, बंदी सिंह से भी, चाहे बंदी हिंदू, चाहे बंदी ईसाई, कोई भी हो सकता है। तो मनुखी अधिकारां दा संगठन हमेशा सब के हकों के लिए इवें ही आवाज़ चुकेगा। मैडम सोहल का बहुत धन्यवादी हाँ, ह्यूमन राइट्स के प्रेजिडेंट है मलेरकोटला शहर के विच। इन्हां ने आके ये बंदी सिंघां वास्ते भी और मनोडी जिन्हें भी बंदी हैं उन्होंने वास्ते आवाज़ उठाई है। ये बहुत शलाघायोग एक कदम है, असी दी बहुत तारीफ भी करते हैं और साथ भी देने हैं। मलेरकोटला शहर का पूरा बच्चा, हर बच्चा एक बच्चा वास्ते हाजिर रहेगा और ये बहुत बड़ा कदम है और इतना अच्छा कदम है कि यूनिटी पूरी होगी। मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे असी मिल के इन्हों पूरा सहयोग देवांगे। बहुत अच्छी शुरुआत की है सिख जथेबंदियों वालों। मलेरकोटला धरती इस चीज़ की गवाह रही है कि इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि हमेशा हाँ का नारा मलेरकोटला मारता रहा है और पहला भी इस चीज़ के पत्रकार भाईचारा भी गवाह है कि हमेशा बंदी सिंघां लई और जो बंदी मुसलमानों लई मलेरकोटला धरती मंग पत्र भी जाते रहे हैं, प्रोटेस्ट भी होंदे रहे हैं। पर अज जिहड़ी शुरुआत की गई है यह इंशाअल्लाह पूरे पंजाब दे विच इस चीज़ का हुंगारा मिलेगा और जिथे भी सिख जथेबंदियां प्रोटेस्ट लिखणगियां मुसलमान भाईचारा सारा मोढे नाल मोढा लगा के खड़ा, चाहे सानू अपनी कुर्बानियां क्यों ना देनियां पैण, असीं अपने सिख भाईचारे नाल खड़े हाँ। और मोदी सरकार नूं नींद चों जागना पवेगा। जिहड़े बंदी सिंघां नूं हुण तक कैद दे विच रखे 25-30 साल हो गए, उन्हां नूं जल्द तो जल्द रिहा कीता जाना चाहिए। साडी मलेरकोटला दी धरती तों यही मंग है। मलेरकोटला तों जमील खेड़ीवाला दी रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी। हुण तुसीं देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड या iOS ते फ्री विच roku अते Amazon Fire TV ते या Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।